Hi friends, welcome back to my channel Mini Vlogs. Indian mom, beauty, fashion and lifestyle के बारे में मैं videos बनाती हूँ और ये videos बहुत ही requested videos हैं. मेरे बहुत से viewers ने मुझे कहा आपका oily face है और आप कौन से face wash use करते हो, best face wash कौन से हैं oily skin के लिए. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने viewers के लिए एक video बनाए लिया जाए. तो ये video बहुत ही मस्त होने वाला है, तो please आप देखते रहिए. और मेरे video को पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस अपडेट उसी से पता चलेंगे आपको. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि ऑयली फेस के लिए फ्रेंड्स कौन से फेस वॉश बेस्ट है और एफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है. मेरे पास कुछ फेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ. आप सबको अब तक तो मेरे वीडियोस देख के मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा फेस ऑयली है, मेरे फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है, आई एम ऑलवेज फुल ऑफ स्वेट. तो सो फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज प्रीफर बेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ सुटेबल फॉर माई स्किन. तो जो मैं आज बताऊंगी आपको, जो प्रोडक्ट बताऊंगी वो मेरी स्किन के लिए बेस्ट है. मैं उनको यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से और मैंने कुछ का तो रिव्यू भी दिया होगा और मेरे ऑयली फेस के लिए बहुत ही बेस्ट है और एक दो बजट फ्रेंडली हैं, कुछ हाई है, बट इट्स ओके. अब मिक्स है ये वीडियो, रेंडम वीडियो है, बजट फ्रेंडली भी है और थोड़े से कॉस्टली भी है. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरे पास टॉप 6 फेस वॉश हैं और वो है ओनली फॉर ऑयली स्किन. और उनमें से मेरा कौन सा सबसे बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपको जो अच्छा लगे आप चूज करिएगा और उसको यूज करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे. सो मैं अब एक एक करके, पहले तो मैं सारी दिखा देती हूँ कौन से हैं, उसके बाद मैं एक एक करके दिखाऊंगी. तो ये है वो कुछ फेस वॉश जो मैं यूज करती हूँ फॉर ऑयली स्किन के लिए, BLCC के और क्लीन एंड क्लियर. लोटस का भी मैंने ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है और BLCC का एक और है और एक हिमालय का है. तो ये कुछ मेरे पास हैं ये सारे फेस वॉश जो मैं सिर्फ ऑयली स्किन के लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं ऑयली स्किन के, बढ़िया फेस पे ग्लो देते हैं और थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन भी रखते हैं. तो अब मैं एक एक करके बात करती हूँ. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश की. फ्रेंड्स, इसका रिव्यू होगा मेरे पे, नहीं तो मैं बना भी दूंगी नेक्स्ट. वैसे मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड करना ही होगा मुझे. तो क्लीन एंड क्लियर, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है एंड इट्स ओनली फॉर ऑयली स्किन. बहुत ही ऑयली स्किन के लिए तो इतना अच्छा है, एक बार में पूरा डर्ट एंड फेस का सारा ऑयल एब्जॉर्ब करके क्लियर कर देता है. तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट यही है और ये बहुत ही अच्छा निकला है. फ्रेंड्स, मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा. मेरे सारे फेस वॉश में से मुझे ये, इसको मैं 5 out of 4 पॉइंट्स देना चाहूंगी. मेरा सबसे टॉप का कौन सा है जिसको मैं 5 out of 5 दूंगी, वो मैं आपको आगे वीडियो देखते रहिए. तो ये क्लीन एंड क्लियर भी आप जरूर यूज करिएगा, ये बहुत ही अच्छा है और इसको काफी लंबी टाइम तक ये आपको स्वेट फ्री ऑयल से फ्री रखता है. तो ये था फर्स्ट फेस वॉश. नेक्स्ट जो फेस वॉश है वो है हिमालय का, ये तो सब भी जानते हैं. हिमालय का नीम हर्बल फेस वॉश है ये और ये एलोवेरा और कुकुम्बर के साथ है. तो ये भी फॉर ऑयली स्किन के लिए है. वैसे ये नॉर्मल स्किन टोन भी यूज़ कर सकते हैं पर ये ऑयली स्किन के लिए ये भी बहुत अच्छा है. आपके फेस का पूरा ऑयल डर्ट सब रिमूव कर देता है और आपको बहुत देर तक अच्छा स्वेट फ्री रखता है, जैसे कि मैं लग रही हूँ. नहीं नहीं, अभी मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, जस्ट मैं अभी घर में हूँ, एक लिप बाम यूज़ किया है मैंने. तो ये हिमालय का एलोवेरा विथ कुकुम्बर. एलोवेरा वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्किन को हमारे बहुत स्मूथ रखता है और सारा डर्ट और वो सब क्लियर कर देता है. मैं पतंजलि का एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, वो लगाने के बाद से भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे फेस पे कोई भी ऑयल और स्वेट नहीं लगता. तो ये भी हिमालय का फेस वॉश भी आप यूज करके ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है लोटस. लोटस का ये मैंने यूज कर रही हूँ 2 हफ्ते हो गए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है. और इसकी सबसे खास बात वो आप, मैं बता देती हूँ, मेरा रिव्यू देखिएगा, उसमें रिव्यू में पूरा डिटेल है इसका कितना है. और इसका खास बात यह है कि इसमें सिनामन टी ट्री ऑयल है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा है. ये छोटे छोटे पार्टिकल से ग्रैन्यूल्स है जिसकी वजह से ये ऑयली स्किन के बहुत ही बेस्ट है. फ्रेंड्स, बेस्ट है ऑयली स्किन, स्पेशली मेरे पास जितने हैं सब ऑयली स्किन के हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा. तो ये ऑयली स्किन लिखा हुआ है इस पर, तो ये ज़रूर यूज़ करिएगा. ये भी मेरा 5 out of
4.5, तो मेरे लास्ट बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट है। 4.5 है ये, बहुत ही अच्छा निकला है, तो ये देखिएगा। इसके बाद जो मेरा फेस वॉश है वो है VLCC का। VLCC का स्किन डिफेंस वाइट टर्मरिक फेस वॉश है। इसमें हल्दी का मेन इंग्रेडिएंट इस पे हल्दी है, और ये भी स्किन डिफेंस ऑल टाइप स्किन के लिए है, बट मेरे ऑयली फेस के लिए भी बहुत अच्छा सूट हुआ। और हल्दी का है तो ये इंस्टेंट ग्लो थोड़ा सा बहुत अच्छा दे देता है, और ये एंटी बैक्टीरियल है। आप में जो अगर स्किन पे कोई एक्ने वगैरह हो रहा है तो ये उसको भी क्लियर करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। तो VLCC का ये वाला फेस वॉश, इसका भी रिव्यू है मेरे पे, उसमें आप देखिएगा, और तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। तो इसका रिव्यू भी आप अच्छे से देखिएगा और इसको यूज़ करेगा। ये भी ऑयली स्किन के लिए वेरी बेस्ट है और बहुत एफोर्डेबल है। ये अफोर्डेबल नहीं है फ्रेंड, ये कॉस्टली है, सॉरी, अफोर्डेबल वाले हिमालय के हैं, ये अफोर्डेबल है, ये 130 का है, अफोर्डेबल ही हुआ, 150 के अंदर तो अफोर्डेबल हो सकता है, पर ये बहुत छोटा सा है, इसलिए ये कितने 100 ml का, इसलिए थोड़ा कॉस्टली, 100 ml 130 कॉस्टली है, ओके, पर ये अच्छा है प्रोडक्ट, प्लीज रिकमेंडेड, ओके। अब इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट है वो है हिमालय का केसर फेस वॉश। ये भी हिमालय का ही है, और इट्स ओनली फॉर ऑयली स्किन, और इसमें क्या है, केसर और मिंट है, कूलिंग इफेक्ट देता है, डर्ट क्लियर करता है, केसर की वजह से ग्लो भी आता है, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और ये 100 ml जो है ओनली 120 rupees का है। तो ये आप आराम से यूज़ करो और ऑयली स्किन अपने ऑयल डर्ट को रिमूव करो। ये मेरा 5 out of 3.5, ओके। नेक्स्ट मेरा, नेक्स्ट और लास्ट मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है VLCC का मेलिया फेस वॉश, विच इज नॉर्मल टू ऑयली स्किन, क्लींजेस, प्यूरिफाई स्किन। इसका रिव्यू आने वाला है फ्रेंड्स, और डाल दिया ही होगा मैंने अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में, आप चेक करिए, इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही बढ़िया निकला। नीम का फेस वॉश है, एंटी एक्ने है, सब कुछ आपका क्लियर। ये वो मेरा प्रोडक्ट है जिसको मैं 5 out of 5 दूंगी, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये भी 100 ml के लिए 135 है। तो VLCC का ये फेस वॉश मेरा बेस्ट फेस वॉश है, और मैं सबको सबसे पहले नंबर पे ये रिकमेंड करूंगी, जिनके एक्ने की प्रॉब्लम है, दाने आ रहे हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वाला। उसके बाद जो मैं सेकेंड नंबर पर रिकमेंड करूंगी वो लोटस, एंड थर्ड नंबर पर मेरा VLCC का ही प्रोडक्ट है ये, और फोर्थ नंबर पर रिकमेंड मैं करूँगी क्लीन एंड क्लियर, और फिफ्थ नंबर पर हिमालय वाले। हिमालय वाले बहुत कॉमन हो गए फ्रेंड्स, बहुत चल रहे हैं और बहुत एफोर्डेबल बजट फ्रेंडली है, पर मैंने ये कुछ यूनिक से बताए हैं जो ऑयली स्किन के लिए हैं, तो आप ये ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है वो बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और थम्स अप दीजिएगा, और पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा न्यू अपडेट्स के लिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना बहुत है, ओके, बाय गाइस, लव यू, स्टे ट्यून्ड।